हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक प्राइस देखिए 4,880 और 4,900 के आसपास पहुंच गया है और पिछले महीने एक तरह से गिरावट थी इसमें अब सितंबर के स्टार्टिंग में देखिए बढ़ने लग गया है। तो जो निवेशकों ने 4,500 या फिर 4,600 4,700 के आसपास लिया है, क्योंकि लास्ट वीडियोज़ में बताने की कोशिश थी कि ओवरसोल्ड की स्थिति बनी हुई है फार्मा में, और डॉक्टर रेड्डीज और अरविंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, तो तीनों में तेजी है। खास तौर से डॉक्टर रेड्डीज आज देखिए 4,900 के आसपास पहुंच गया। तो अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे हम चार्ट पैटर्न के अनुसार। और खबर एक आई है इसमें, और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज खबर एक आई है, दवा लॉन्च की है, जैसे कि हम हर 2-3 महीने में सुनते रहते हैं, तो उसके वजह से आज इसमें तेजी है। अब अपट्रेंड में स्टॉक दोस्तों, तो उसको हम चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं। अगर हम फाइनेंशियली नंबर्स की बात करेंगे तो लास्ट वीडियोज में बताने की कोशिश थी कि अच्छा स्टॉक है, बट उतार चढ़ाव लगा रहता है स्टॉक में, तो गिरता है तो ज़रूर नज़रों में रखना चाहिए इसको। मार्केट कैप की बात करते हैं, 81,238 करोड़ का है इस वक्त, और फेस वैल्यू 5 रुपये का है। EPS की बात करते हैं तो 104 का है, और स्टॉक देखिए जुलाई और जून में ऊपर की तरफ था दोस्तों, तो अब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, देखिए प्राइस परफॉर्मेंस में इनका जो निवेशकों ने अगर डॉक्टर रेड्डी को रखा है पिछले कुछ समय से, 3 महीने का जो रिटर्न है 8% का माइनस है, 3 साल का रिटर्न है 95% का, और 1 साल का रिटर्न है 12% का। तो 1 साल के अनुसार देखते हो 12% का ही रिटर्न है, बट पिछले साल के अनुसार तो अच्छा रिटर्न मिला है, और 3 साल के रिटर्न के अनुसार देखते हो 95% का रिटर्न है दोस्तों। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए डॉक्टर रेड्डीज को रखा है तो एक तरह से रिटर्न अच्छा मिला है, और लास्ट वीडियोज़ में भी बताने की कोशिश थी अगस्त के महीने में कि डॉक्टर रेड्डीज को ज़रूर देखना चाहिए जब भी गिरावट होती है। और Q2 का भी रिजल्ट आएगा, तो अभी तेजी है दोस्तों। अब चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक में तेजी है और 4,884 के आसपास कारोबार कर रहा है। जब ये 4,600-4,500 के आसपास कारोबार कर रहा था तो बताने की कोशिश थी इसमें आने वाले समय में जंप होता हुआ दिखेगा, और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से इसमें जंप है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो एक तरह से बुलिश मोड में बना हुआ है। और अब स्टॉक प्राइस लगभग 4,900 के आसपास तक पहुँच गया है। तो जो निवेशकों ने एक तरह से लिया है, तो आगे देखिए इसकी जो तेजी रहेगी लगभग 4,930 के आसपास थोड़ा सा हर्डल दिखेगा दोस्तों इसको, और इसके ऊपर अगर ट्रेड होता है या क्लोजिंग आ जाती है डेफिनेटली ये 5,000 को क्रॉस करेगा, और जो हर्डल रहेगा इसका 5,068.50 रुपया या 5,070 के आसपास इसका हर्डल रहेगा। और इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो मान के चलिए फिर 200-300 पॉइंट सीधे ऊपर की तरफ दिखेगा। जो ये गिरावट आई है दोस्तों, थोड़ा बहुत समय लग सकता है अभी, और जिन निवेशकों ने इस लेवल पे लिया है 4,700 से 4,500 के बीच, तो थोड़ा बहुत अभी वेट करना चाहिए। और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगभग 4,732 या जो आज का लो है, जैसे कि 4,814 इंट्राडे वालों का ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो डिलीवरी वाइज कर रहे हैं तो एक तरह से देखिए 4,732 और उसके बाद ये 4,648 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला, या फिर किसी ने भी यहाँ पे लिया है अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो। और थोड़ा सा समय और देंगे, डेफिनेटली ये 5,000 क्रॉस करेगा और 100-200 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है। ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा आगे, 5,060 और 70 का एक लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए यहीं से पिछली बार ये एक तरह से ये बढ़ा था, तो इसी के आसपास थोड़ा बहुत यहाँ पे एक तरह से रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो लगभग 5,244 और 5,500 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये आने वाले समय के लिए, थोड़ा समय है जिनके पास, टाइम है, डेफिनेटली ये और तेज होता हुआ दिख सकता है, और तेज होता हुआ दिखेगा हमको। तो जो ऊपर के लेवल पर ट्रैप हुए हैं, फंसे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे थे, तो वेट करना चाहिए अभी। और देखिए नेक्स्ट 1-2 महीने में ये फिर हमें जो है ऊपर की तरफ, जहाँ से गिरावट आई है, लगभग ये गिरावट आई है आपकी 5,400 तक, यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है दोस्तों।
क्योंकि फार्मा सेक्टर में न्यूज़ आती रहती हैं, रिस्ट्रिक्शन भी लगते हैं दवाइयों को, जैसे कि बैन लगाया जाता है तो उसकी वजह से गिरावट होती है। लास्ट टाइम देखिए ये गिरावट आई थी यूएस में जो बैन लगाया गया था, जबकि वैक्सीन की खबर थी और स्टॉक उससे पहले बढ़ गया था। और फिर एक बार स्टॉक गिरता है तो मुनाफा वसूली बहुत तेज़ी से आती है, जैसे कि हम लोग मार्केट में देखते हैं। तो फिलहाल बुलिश मोड में है ये, और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, और ये लेवल जरूर ध्यान में रखिए। और स्टॉप लॉस कोई अगर लगाना चाहते हैं, जैसे कि जो कुछ दिन के लिए कामकाज करते हैं, तो नहीं तो समय देंगे डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। हम दूसरे इंडिकेटर के अनुसार देखते हैं, देखिए आरएसआई के अनुसार देखते हैं, बहुत सारे लोग आरएसआई के अनुसार भी ट्रेड करते हैं। देखिए ये एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश थी, और ओवरसोल्ड हो गया था देखिए ये, और एक तरह से देखिए ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में है, और आरएसआई अप ट्रेंड में है, तो हमें 5060 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो वहां से और तेजी की संभावना रह सकती है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार चार्ट पैटर्न बना हुआ है, और जो इंट्राडे कर रहे हैं तो आज का जो स्टॉप लॉस है रहेगा 4814 का रहेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ 4830, और जिनके पास डिलीवरी है आप 4600 4500 4700, तो एक तरह से देखिए अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लीजिए और ऊपर की तरफ लगभग आज का स्टॉप लॉस बना लीजिए। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए प्रॉफिट वाला। और दिग्गज स्टॉक है फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर रेड्डीज का नाम जरूर आता है, बट ये कि खबरें काफ़ी आ जाती हैं, दवाइयों का लॉन्च होता है तो स्टॉक में तेज़ी आ जाती है, अगर कोई बैन या फिर रिस्ट्रिक्शन लगता है किसी कंट्री के द्वारा तो उसमें भी फिर गिरावट होती है, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा बट अप ट्रेंड में स्टॉक अभी है दोस्तों। तो ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है डॉक्टर रेड्डी का। यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें।